हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो मैं स्वागत करता हूँ आपका पार्ट टू में। जिसने पार्ट वन नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखो, पर उससे पहले ये वाला पार्ट देखो पूरा। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ हार्ड थेम को, उन्होंने मेरे 20K सब्सक्राइबर्स करा दिए, तो थैंक यू सो मच गाइस। मतलब खुशी हुई है, 20K तो पहले भी हो गए थे पर हुई किया, दूसरे चैनल में भी 20K हो गए और वाला चैनल तो ख़राब ही हो गया है। तो जो नए हैं, जो अभी देख रहे हैं वाला पार्ट, तो उन्हें मैं बता दूँ कि ये रूम ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मेरे रूम का ट्रांसफॉर्मेशन। पहले व्लॉग में हम थोड़ा सामान लाए थे पीवीसी का, और हमने डिसाइड करा था कि क्या हम पीवीसी लगा रहे हैं और पेंट कौन सा कर रहे हैं हम रूम में, तो और थोड़ा पुट्टी उट्टी हुई थी कमरे में, और आज हो रहा है पेंट। मैंने पहले ही बोला था कि पेंट हो रहा है, पर उस दिन नहीं हुआ, उस दिन और थोड़ा काम हुआ, इस रूम में थोड़ी कमी थी तो वो हुआ। तो मैं आपको दिखाया था हम पेंट कैसे कैसे हो रहा है, पीवीसी भी लग चुकी है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे लगी है। तो थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड करे थे, तो देखो और एंजॉय करो। सपने तू सोते जागते जो बरसे, सपने बूंद बूंद नैनो को मूंद मूंद नैनो को मूंद जो बरसे, सपने बूंद बूंद नैनो को मूंद मूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। तो गाइस, जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था वो फाइनली हो चुकी है, तो देखो गाइस। कितारा गूंज सा कोई कितारा कितारा गूंज सा कोई कितारा। पीवीसी कंप्लीट हो गई है मेरे पसंद की, शायद पहली बार ऐसा कोई कर रहा होगा वाइट पूरा, वरना लोग कॉम्बो में करते हैं कॉम्बो कलर में, मैंने पूरा प्लेन करवाया है। और अभी देखो एक लेयर हुई है कंप्लीट पेंट की, इस साइड हुई है शायद, और दूसरी भी होगी। वो दरवाज़ा भी कटा है क्योंकि वो बड़ा था, तो अब यहाँ पे कट के छोटा सा खुलेगा, वो जो अंदर पड़ा है दरवाजे में आप देख सकते हो, तो अब छोटा होगा, कटेगा फिर खुलेगा। और मैं एक मिनट रुकूंगा, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको बैठ के, ये देखो मतलब थोड़ा चमक रहा होगा पेंट क्योंकि अभी इसकी एक लेयर हुई है, दूसरी लेयर कम्प्लीट होगी तो ये पूरा जाएगा। एसी भी लग चुका है गाइस, एसी भी कम्प्लीट हो चुका है, ये हमारा पहले वाला एसी था, देखो यहाँ से इसका बटन है और अंदर से ऐसे करके यहाँ पे हुआ है, तो देखो वहाँ पे भी हुआ है, एसी चल रहा है पूरा। तो अब मज़ा आने वाला है गाइस, अभी आपको बताया गर्मी इतनी हो गई थी ना, तो अब एसी लग चुका है हमारा पहले वाला, तो अब पहले जैसे मज़ा आने वाला है। और अभी यहाँ पे स्विच खुल रखे हैं, ये इसलिए खुल रखे हैं क्योंकि अभी यहाँ से और कनेक्ट होगी जो यहाँ पे LED, अभी मैं लेने जाऊँगा यहाँ पे LED लेने, बल्ब लेने, अभी इसमें पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें बल्ब लगेंगे होल होगा, तो अभी यहाँ पे 8 बल्ब लगेंगे और LED लगेगी अंदर, तो मैं अभी वो मार्केट लेने जाऊंगा। और अभी तो कुछ नहीं है गाइस, अभी तो बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ा, मतलब जैसे मैं सोच रहा हूँ अभी तो शायद हम फ्लोर पे भी कुछ लगाएंगे, तो अभी देखते हैं। अभी सब सामान आएगा, फर्नीचर वाला भी आएगा, अभी फर्नीचर भी रेडी होने वाला होगा शायद 2-3 दिन में, तो इस व्लॉग को एंड तक देखना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। तो अभी मैं चलता हूँ मार्केट जरा LED लेने, और उससे पहले कुछ खा लेते हैं, पेंट भूख भी लग रही है तो पहले कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं मार्केट। तो गाइस खाना कंप्लीट हो चुका है, अब मैं चलता हूँ मार्केट जरा एलईडी लाइट लेने और बल्ब लेने, और पर्दे वॉश के लिए गए थे तो हमने पर्दे भी लगा दिए हैं, और तो चलते हैं मार्केट, उससे पहले पी लेते हैं ग्लूकोन डी क्योंकि एनर्जी भी जरूरी है, पी लेते हैं ग्लूकोन डी, मम्मी ने बनाया है। गाइस ग्लूकोन डी कंप्लीट, और अब देख लो मेरा आप आउटफिट, मैंने कुछ ऐसा पहना है, थोड़ा पिंक पहना है और पिंक से ये शूज मैच कर रहे हैं, तो गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ना मैं रोज वॉश कराता हूँ अपनी बाइक, और देखो रोज गंदी जाती है, बताऊँ क्यों होती है, यहाँ पे देखो ये धान कटते हैं ना, ये देखो ये रोज कटते हैं तो फिर ये पूरी गंदी जाती है, तो और अंदर भी स्टैंड नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पर अटक जाती है, तो अभी कुछ जुगाड़ करेंगे अंदर का भी, तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। सोचता है तू ही जाने तू क्या
हेलो गाइस। तो यार हार्दिक की तबीयत ख़राब हो रही थी, दो तीन दिन से शूट भी नहीं कर पा रहा ब्लॉग का, तो अभी ये सो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि विंडोज़ में पेंट हो रहा था वाइट थीम, तो वो दिखा दूँ आपको। ये मम्मी नाच रही है, तो यार ये हो रहा है वाइट पेंट, देखिए पूरी वाइट थीम, डोर के बैक में भी वाइट हो रहा है। कैसे आप सब? तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अब, क्योंकि मेरे को 4-5 दिन से थोड़ा फीवर हो रहा था। हुआ क्या था, मैं स्कूल से आ रहा था तो मैं सीधा मैंने आइसक्रीम खा ली वहाँ पे बेकरी में, तो मेरे को बुखार हो गया। फिर ऐसी लू वू चल रही है, आपको तो पता है आजकल धूप बहुत तगड़ी हो रही है, तो मेरे को हो गया था। और अब मैं थोड़ा ठीक हूँ पहले से। और आज हम जा रहे हैं फर्नीचर वाले के यहाँ, क्योंकि फर्नीचर हो चुका है बिल्कुल रेडी, हमारा बेड वेड अलमारी वलमारी सब रेडी हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं देखने, फिर वो वहाँ से पैक मतलब भेज देंगे ट्रॉली वॉली में, फिर हम आते हैं घर, आपको दिखाते हैं और सब सेट वेट करके। तो लेट्स गो। तो गाइस हम आ गए हैं फर्नीचर वाले के यहाँ, और मैं चुपके से शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। भैया है नहीं अभी, यहाँ कोई है नहीं, और छोना भाई भी आ रखे हैं हमारे साथ, मम्मी भी। ये है ज़्यादा पास से नहीं ले रहा भैया, अगर देख रहे हो तो सॉरी ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपके अंदर। अब बस वेट कर रहे हैं भैया का, फिर सामान रखेंगे फिर घर में, और क्या है ना मम्मी। इतना तू बासी बासी बड़ी हंस राना, बंद दरवाजा देखे लाठी हंसवा, ठंडी है अंगीठी सीली सीली है दीवारा, गूंज टकरा के मैं दिल की सदा गूंज है रे। गाइस अभी अभी ये लाए हैं और हालत खराब हो चुकी है, पसीना देखिए। मैनोडॉन। तो गाइस इधर ये बाहुबली बन रहे हैं, हार्दिक अपने आप को बोले कंप्यूटर टेबल अकेले उठाएंगे, अब मैं उठाता हूँ। अच्छा कोई एक तारा गूंज सा, कोई एक तारा एक तारा गूंज, कुछ नहीं दिखाऊंगा लाइटिंग से आपको थोड़ा अंदाजा है। आप पागल होने वाले हो, पागल क्या, तब ये अच्छा नहीं है मजाक अच्छा है गाइस, अच्छा है। पागल कैसे लाइटिंग गाइस, हार्दिक एक्साइटेड है पन्नी फाड़ने में। डॉक्टर ऑर्थो एक्स बाहुबली बोल दूं तो गाइस फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मैं अपना करने वाला रूम रिवील, और काफ़ी टाइम लग गया तो उसके लिए सो सॉरी गाइस। बस अब आपको दिखाने की देरी है मेरा रूम, और आप भी एक्साइटेड हो गए मुझे पता है तो गाइस सो सॉरी लेट करने के लिए। और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो देखो मेरे बाल ही बढ़ चुके हैं पूरे, और व्लॉग के स्टार्टिंग में मेरे बाल छोटे थे। तो गाइस अरे हुआ बताऊँ क्या था, यहाँ ना जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर कुछ मिलता नहीं था, तो फिर हमने सब बेड बेड साइड टेबल ये सब बनवाया, और फिर टाइम लग गया थोड़ा, वो भी 2-3 हफ्ते में बना था। तो पिछला ब्लॉग डिलीवर शायद 2 महीने हो गए, तो गाइस लेट हो चुका था। पर अब मैं दिखाने वाला हूँ अपना रूम, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो वीडियो को।
तो गाइस व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बाहर से आएंगे। ये तो अभी मैं रूम में खड़ा हूँ और वाइट दीवार के सामने। तो गाइस अब हम आ चुके हैं रूम के बाहर, बाहर से कुछ ऐसा है और अब हम जाएंगे रूम के अंदर। तो आ जाओ फटाफट, पहले ऐसे दिखाओ, बंद कर। हाँ ऐसे ऐसे तो अभी पूरा अंधेरा हो चुका है, इतना दिखा मेरे को। तो गाइस अब जलाते हैं लाइट्स, उससे पहले तो ये कुछ रूम, सबसे पहले ये देखो गाइस हार्ट फैम। तो उसके बाद अब पास आओ, आपको दिखाता हूँ ये लैंप, और ये लैंप है, बाकी ये बेड साइड टेबल या ड्रॉअर जो भी बोलते हैं इसे, इसके अंदर हमारी बुक्स जो हम पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते तो नहीं है पर हम पढ़ेंगे। फिर आ गया हमारा बेड, बेड गाइस, गाइस ये बेड है, ये भी हमने बनवाया, आपको सब बताऊंगा अभी इन सब की प्राइस कि क्या क्या कितने का हुआ मेरा टोटल। उसके बाद आता है गाइस ये वॉच, फिर स्पीकर्स, और फिर ये हमारा गेमिंग सेटअप पूरा, ये हमारा कीबोर्ड माउस और ये ड्रॉअर, ये भी हमने बनवाया है सब। और फिर आता है गाइस ये जिसमें हमारी बनेगी रील और फोटो क्लिक्स होगी, काफ़ी फोटोज देखना गाइस इंस्टाग्राम में मेरी, ओके ब्लॉग के बाद आएगी। तो ये है प्लांट, ये फेक प्लांट है, दिख ही रहा होगा आपको। और फिर आता है ये, और गेस करो गाइस ये कौन है, ये कौन है, हार्दिक, ये हार्दिक है गाइस, देखो लग रहा ना ऐसे किसी के समय नहीं लगता है, ये मैं ही हूँ सर, तुम तो ये मैं पहली बार रिवील कर रहा हूँ गाइस आपके सामने। ये पापा आए थे, इसमें हुआ क्या था, हम रखने वाले थे प्लांट, पर प्लांट इसमें एडजस्ट हो नहीं रहा तो फिर हमने इसे यहाँ पे सजा दिया। गाइस ये है पर्दे, पर्दे भी आपको बताऊँ मैंने 4-5 बार चेंज कर दिए हैं पर्दे, और चेंज क्या लाए फिर हमने दूसरे रूम पे लगा दिए, अच्छे नहीं लगे, फिर लास्ट में लाए हम ग्रे, मैंने दिमाग चलाया अपना। और ये सब आइडिया गाइस मेरा ही है, किसी का नहीं है, ये मैंने सोचा है सब कुछ A to Z मैंने सोचा है, ठीक है। और फिर ये आता है फल वाली कारपेट, ये पापा लाए थे, कल ही लाए पापा ये। फिर आते हैं गाइस हमारे स्पीकर, ये स्पीकर है इन्फिनिटी के, और इनकी भी प्राइस आपको मैं बताऊंगा। और गाइस ये है कीबोर्ड, ये भी मैं आज ही लाया हूँ, कीबोर्ड और माउस ज़ेब्रोनिक्स के, और ये तो पहले का था मेरा कंप्यूटर का सेटअप। और तो गाइस अब करते हैं लाइट ऑन धीरे धीरे करके, तो सबसे पहले हम किसकी करेंगे, बेड की, ओके तो बेड की लाइट ऑन करते हैं। अब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा और आप कैमरे के पीछे जो जना खड़ा है राहुल, तो ये वाली बंद करना, ठीक है, हाजी नाडीवाल। तो बंद कर दो, 3-2 go बर्थडे, इस बर्थडे गाइस ये है मेरा बेड। ओह कैसा लगा गाइस आपको ये, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, सब बताना कि आपको फेवरेट कौन सा लगा, क्या चीज आपको अच्छी लगी मेरे रूम में, पूरा अच्छा लगा तो इसे लगाने में बहुत मेहनत लगी राहुल भाई और मेरी, इसे मैं फेविक्विक से चुका रहा ये निकल गया था। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, मैं ये ब्लॉग पहले 1 महीने पहले लाने वाला था, पर फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं आई थी, रूम खाली खाली सा लग रहा था, फिर मैंने बोला नहीं यार लोग बोलेंगे इतना लेट ला रहा है तो कुछ क्या कर रहा है इसने, है ना, मतलब इतना अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने सोचा नहीं यार कुछ तगड़ा करते हैं, फिर अब मैं लाया हूँ थोड़ा बहुत सामान अच्छा, अब थोड़ा रूम अच्छा लग रहा है, फिर अब आपको दिखाते हैं। और ये हमने फेविक्विक से चिपका रखी है यहाँ पे, आज राहुल भाई और मैं चिपके हैं, हमारे हाथ भी चिपक चुके हैं, राहुल भाई के ज़्यादा चिपके हैं इनके हाथ देखोगे तो, और तो ये ऐसा ने जुगाड़ कर रखा है, और ये हमने देखो ये ऐसा अच्छा लग रहा है थोड़ा इसके ऊपर आ रहा है, तो गाइस ये है कुछ बेड, और अब आपको दिखाते हैं दूसरी चीज़। ओके तो अब लैंप ऑन करते हैं, तो लैंप भी गाइस 3 लाइट है इसमें, 3 in 1 है, तो पास आओ, तो यहाँ से ऑन ऑन ऑफ होता है ये, अगर इसे ऑफ करेंगे तो अंदर जाएगा, फिर ऑन करेंगे तो दूसरी लाइट जलेगी ये गोल्डन, फिर ऑफ करेंगे तो थोड़ा गोल्डन और वाइट में जलेगी, पर अब हम इसे गोल्डन ही रहने देते हैं। और अब दिखाते हैं आपको मेन चीज, वो है
हार्ट फैम गाइस, हार्ट फैम लव यू। तो मैंने इसे रूम में लगा दिया अपने, पहले मैं छोटा था कुछ अपनी आईडी लिखवाता हूँ इंस्टाग्राम की, पर वो सभी लिखाते हैं तो मैंने सोचा कुछ नया लिखाते हैं। ये शायद पहली बार कराओगे ना वो जिसने, है ना, तुमने देखा पहली बार, सर बता दिल से बता, नहीं देखा ना, तो ये मैंने ही करा है गाइस, मैंने आप लोगों को अपनी दीवार में छाप दिया, देखो। तो ये है हार्ट फैम। और फिर आता है हमारे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हम पूरे कंप्यूटर को, तो यहाँ से ऑन होगा ये चली लाइट कंप्यूटर की। और अब पास आ जाओ, इसे ऑन कहाँ से करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ बैठ जाते हैं, तो पहले हम स्पीकर ऑन करेंगे, स्पीकर ऑन होगा यहाँ से, इसे थोड़ा हम दबाए रखेंगे, तो ये हो गया ऑन कनेक्टेड, ओके। और यहाँ से UPS ऑन करेंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, ये तो सबको ही पता होगा। और हमने जुगाड़ भी बहुत सारा कर रखा है, देखो इतने सारी वायर्स अंदर रखी हुई है। तो अभी हो गया, और अब करेंगे CPU ऑन, CPU की लाइट जलती हुई तो ये, और इसकी भी लाइट, कंप्यूटर ऑन, ये ऑन, सब ऑन। वही स्पीकर के लिए हमने यहाँ पे ये एडजस्ट करवा रखा है। और फिर हम आती है हमारी वॉच, वॉच हमने यहाँ पे लगवाई है, और ये है हमारे रोनाल्डो। तो गाइस ये है मेरा गेमिंग सेटअप पूरा, आपको ये भी बताओ कैसा लगा आपको, और अभी मैं आपको इन सब की प्राइस बताऊंगा, टोटल बताऊंगा। तो और अब आते हैं हम दूसरी लाइट्स पे। तो गाइस इसमें देखो दो तरीके की लाइट है, एक ये है एक ये है, यहाँ से हम ऑन करेंगे तो ऑन होगी ये, तो देखो एक ये हो गया, फिर ऑन करेंगे ये, फिर ऑन करेंगे ये। दूसरी लाइट का बटन है यहाँ से, तो ये होता है, ओके गोल्डन। और अब हम कर देते हैं रेड ऑन। गाइस ये है पूरा कमरा मेरा। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ इनकी प्राइस कि क्या क्या कितने का पड़ा मुझे। तो सबसे पहले हम आते हैं हार्ड फैम पे। इसका ऐसा होता है, इसके लेटर के हिसाब से होता है, लेटर की प्राइस होती थी, 8 लेटर होंगे, 9, 10, तो उस हिसाब से प्राइसिंग होती है। तो गाइस ये इसकी MRP है 2300। तो ये है, अगर आपको लेना है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होता है, और शॉप तो मुझे पता नहीं थी, आपको पता होगा तो आप पास आ जाओ। तो गाइस अब आता है लैम्प, लैम्प भी कुछ ऐसे होगा 1000 कुछ का ना, इतने का ही होगा लैम्प। और फिर आता है ये गाइस, ये हो गया बेड, हो गया वो, हो गया जितने भी आपको ये लकड़ी का सामान दिख रहा है ना, ये सब सैंडिंग मेरा, ये कंप्यूटर टेबल, ये हो गया। तो ये सब मैंने बनवाया है क्योंकि ये यहाँ मिलती नहीं, ऑर्डर पे भी नहीं आई, और मैंने अमेजोन पे देखा था तो इतनी अच्छी लगी नहीं मुझे, क्योंकि ऑनलाइन में कोई इतना भरोसा रहता नहीं है, तो मैंने बनवाई फिर। तो ये हमें पड़ा 6-7 हज़ार का, तो हो गए मेरे को अब याद नहीं है इतना एग्जैक्ट, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ये 6-7 हज़ार का होगा। और फिर आता है बेड, ये बेड है सोफ़ा का बेड, ये ऐसे करके इसे हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये बंद होता है, पर अभी हम इसे बंद करेंगे नहीं, क्योंकि अगर बंद करेंगे तो इसकी LED जो लगा रखी है हमने ये पूरी झड़ जाएगी। तो और इसमें ऐसा होता है ना, अब बंद करेंगे तो वहाँ पर आराम से मूवी लगा दो, बैठ के देखो करेंगे, ये भी हम कुछ जुगाड़ करेंगे बाद में। तो ये है, और इसके अंदर है मेरे कपड़े, कपड़े मत दिखाओ, जितने ज़्यादा उतने कम। तो गाइस ये जो बेड है ये मैंने बनवाया था, तो ये बना था 25,000 कुछ का, तो अगर आपको बनाना है तो बनवा लेना। फिर आता है ये होगा समथिंग, ये 15,000 कुछ का होगा, ये पड़ा मुझे 15,000 कुछ का। और ये जो होते हैं छोटी छोटी चीज़ें हो गई, ये मुझे नहीं पता क्योंकि पापा लाए थे, ये हो गया, ये हो गया, ये पापा लाए थे, और ये पापा लाए थे प्लांट, ये भी कुछ ऐसे होगा 1000 कुछ का, और ये भी ऐसे कुछ होगा 2-3000 का, 2-3000 का होगा, और वो भी कुछ ऐसे होगा 500-600 का। तो ये छोटा छोटा तो क्या ही गिनाऊं आपको, फिर आओ पास। तो गाइस ये जो है स्टैंडिंग मिरर, ये मुझे पड़ा 10,000 कुछ का, 10,000 या उससे ज़्यादा। और फिर आता है कंप्यूटर टेबल। तो गाइस ये जो कंप्यूटर टेबल है ये भी मैंने बनवाई थी, ये बनी है 8-9 हज़ार कुछ की। तो गाइस ये मुझे जो पड़ा ना, ये पूरा कंप्यूटर सेटअप, ये मुझे पड़ा 120 कुछ का, मतलब 1,20,000। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये जो यही है ना बस इतना पार्ट, यही कुछ 50,000 का है सच में, और ये कुछ ऐसी है 12-13 हज़ार का। और ये स्पीकर जो है ये इन्फिनिटी का, ये है 12,000 कुछ के ये भी, और ये है, ये दोनों में 1500 के, कीबोर्ड और माउस 1500 के हैं। और फिर आता है रोनाल्डो, ये ऐसे होगा कितने का, 200-300 का, ये 200-300 का होगा। और फिर आती है वॉच, ये होगी 2-3 हज़ार की। और गाइस ये जो बात करते हैं लाइट्स की,
तो ये कुछ पड़ी थी, ये एक पड़ता है, एक कितना मीटर होता है मैं मीटर तो पता नहीं मुझे, पर एक रोल मिलता है ये 800 कुछ का मिलता है, पर इसकी वारंटी वारंटी कुछ नहीं होती, पर ये चल जाता है एक दो साल बोलते हैं मतलब लोग। तो ये 800 कुछ की थी एक, और बाकी ये ऊपर के लिए लाए थे हम गोल्डन, ये चमक रही है अंदर से, ये गोल्डन है, ये भी 800 कुछ की होगी। और गाइस बात आगे पड़ देगी तो ये भी ऐसे कुछ होंगे 1200-1300 के। तो गाइस ये मुझे पड़ा सब कुछ लगभग, पेंट हो गया, ये पीवीसी हो गई, फॉल सीलिंग जो भी बोलते हैं, लाइट्स, कंप्यूटर का पूरा सामान, स्टैंडिंग मिरर, बेड, बेड साइड टेबल, ड्रॉअर, और ये सब कुछ ये मुझे पड़ गया लगभग गाइस 200,000 कुछ का। अगर आपको भी कराना है तो आप अपनी जेब रखना टाइट। और तो ये सच में इतना ही हुआ है, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या बाप का पैसे से करना, हाँ कि मतलब जो भी बोलते हैं मेरे को तो बोलने में अजीब लगता है सब, तो कि ये उड़ा रहे, पर नहीं भाई ये मैंने खुद करा है सच में, ये 200,000 जितने भी लगे मैंने, पर थोड़ी बहुत हेल्प पापा ने भी करी है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरे ही मैंने करा हो, पर नहीं पापा ने भी थोड़ी हेल्प करी है इसमें, और क्योंकि यार पापा मम्मी तो होते ही है ना, मतलब हेल्प करने के लिए, कमा किस लिए रहे हो, हमारे लिए तो कमा रहे हैं और इसलिए कमा रहे हैं, है ना। तो पापा ने तो बोला था नहीं मैं ही कर देता हूँ, फिर मैंने बोला नहीं पापा यार थोड़ा मैं करता हूँ, समझा करो, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, पैसे कमाने लग गया हूँ तो थोड़ा मैं करता हूँ। तो गाइस यही था मेरा रूम, और मैंने बहुत सारी चीज़ें इस रूम में चेंज भी करी है, यहाँ पे सोफा भी था, अलमारी भी थी, तो रूम मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाऊँ तो आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने हाथ में पकड़ के क्या क्या था वो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पापा का रूम, और यहाँ पे हमने वो चीज़ें रख रखी है, तो ये हमने बेड भी बनवाया था गाइस, ये मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा यूट्यूब मतलब थोड़ा सा शॉर्ट दिखाया था, ये थे वो सोफे, ये मतलब पुराने थे, पापा के ऑफिस में रखे हुए थे, तो पापा लाए थे, फिर अच्छे तो लगे पर मैंने बोला नहीं, और फिर ये थी अलमारी वाइट, ये भी बनवाई थी हमने। और गाइस थोड़ा आपको घर भी साफ लग रहा होगा, पहले तो ऐसा था ना सब कुछ अजीब सा, तो अब देखो अब थोड़ा सब कुछ ठीक हो गया है। ये देखो मिनी जिनी, हाय हाय मिनी, मम्मी आ जाएगा तू भी देख ले रूम। तो गाइस ये देखो कितना अच्छा रूम लग रहा है, मम्मी आ जाओ, वाओ ऐसे कर रही तो मैंने की है मम्मी, वाओ ऐसे कर रही है, देखा नहीं होगा, सफाई मैंने की है, तो मम्मी कैसा लग रहा है बंद कर दे। और गाइस ये रूम बड़ी जल्दी गंदा होता है, ये सब कुछ वाइट है ना, आप मानोगे नहीं 2-3 दिन में ऐसे गंदा हो जाता है। अरे मिनी मिनी सफाई करती है हमारी, मिनी के बाल इतने सारे यहाँ पे चिपके रहते हैं इधर उधर, तो मम्मी बताओ कैसा लग रहा है आपको, मस्त अच्छा अच्छा, रोनाल्डो के बाल ज्यादा नहीं मिनी के बाल, बता दिल से बताया ऐसे मतलब फेक नहीं, मतलब सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है पक्का लोग अच्छी लगी वीडियो, चलो ठीक है। देखो राहुल को, राहुल भाई को भी हाय बोल दो सब, मेरे को क्यों दिखा रहा भाई क्यों। और गाइस कल से हमारे हॉलीडेज खत्म, स्कूल ओपन, और आज मैं वीडियो एडिट करूंगा, कल मंडे को वीडियो आ जाएगी। जिनी मिनी आओ, आ जाओ, अच्छा, गाइस जिनी मिनी भी हैप्पी हैं, सब हैप्पी हैं। तो गाइस यही था व्लॉग, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब थे शेयर, ओके गाइस bye bye, see you, bye bye, gunj hai re janan karu band beh jaye bund beh jaye bund janan karu band beh jaye bund तड़पाए रे क्यों सुनाए गीत मनार के, गूंज सा कोई एक तारा गूंज सा कोई एक तारा, गूंज सा कोई एक तारा गूंज सा कोई एक तारा।